गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग 11th क्लास में अपना अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे, जिसमें अपने जनरल इंटरव्यू का टॉपिक जो अपना चल रहा था। आज जो है हमने बहुत सारे कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब हम जो है आज कुछ विशिष्ट व्यवहारों को जो है कुछ स्पेशल जो ट्रांजेक्शन है उनकी जनरल एंट्रियां हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। कुछ विशिष्ट व्यवहारों के संबंध में जनरल प्रविष्टियां कुछ विशिष्ट व्यवहारों को हम लोग देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखते हैं कि एक तो आपका नुकसान वगैरह, जिससे हम लोग देखते हैं कि माल जो है वो या तो अग्नि या थेफ्ट जो अपना एक तरीके से चोरी हो चुका है या अग्नि से नष्ट हो गया, ठीक है। कभी कभार क्या होता है बिजनेस में अपने जो गुड्स वगैरह है, तो हम बोल सकते हैं कि माल जो है वो अपना गुड्स जो है चोरी या आग से नष्ट होने पर, इस हानि को व्यापार में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कि रिकॉर्ड कैसे करना वो हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सुनना ध्यान से, एंट्री को हम लोग पढ़ें। फॉर्मेट अपना वही है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि नुकसान हो रहा है तो जो भी लॉस होता है तो नॉमिनल अकाउंट जो है नाममात्र खाता कहता है कि जितने भी अपने हानि वगैरह उसको डीआर कर दो। तो हम हानि का नाम लिख देंगे, क्या है, लॉस बाई थेफ्ट, या फायर है तो लॉस बाई फायर अकाउंट डीआर, जो भी रीजन है। अगर माल नष्ट हुआ है तो मैंने कहा था सेल्स तो है नहीं, तो गुड सेल्स के अलावा किसी भी रीजन से कम होता है तो परचेज अकाउंट अपना क्रेडिट होगा। टू परचेज अकाउंट, तो एंट्री बनेगी लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, ठीक है। जितना भी आप रुपए का आपका नुकसान हुआ है वो आप लोग यहां पर रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। नरेशन लिख देंगे कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है अपना, गुड्स अगर थेफ्ट है तो लॉस्ट या डिस्ट्रॉय, कि गुड्स का अपना नुकसान हो चुका है। ये तो एंट्री हुई पहली। अब इसी में आगे, अगर हम जैसे इंश्योरेंस करवा के रखते हैं तो प्रीमियम अगर हम चुका रहे हैं तो प्रीमियम खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू बैंक, ये एंट्री तो पता है। लेकिन यहां पर ये होता है कि जब नुकसान हुआ है ना, तो इंश्योरेंस अगर करवा रखा है, प्रीमियम पेड कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। बीमा है तो उस समय क्या एंट्री होगी, अगर माल का बीमा है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करती है, उस समय क्या एंट्री होती है, जैसे अगर माल का बीमा करवा रखा है, तो जो आपका क्लेम है वो एक्सेप्ट होगा, उसकी एंट्री क्या होगी, वो एंट्री हम लोग देखनी है, उसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है। उसकी एंट्री हम लोग देखें तो एंट्री आपकी होगी, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू किस चीज का क्लेम एक्सेप्ट किया है आप, उस लॉस का, तो लॉस का नाम लिख दो, टू लॉस बाई फायर या थेफ्ट अकाउंट, ठीक है। जितने का क्लेम एक्सेप्ट हुआ है वो नाम यहां पर आप लोग लिख दो, ठीक है। अब जब बीमा कंपनी से पैसा मिलेगा, ठीक है, बीमा कंपनी से पैसा, ये तो था पहले एक्सेप्ट हुआ, वो चेक करेंगे हाँ भाई कितने का नुकसान एक्चुअल में हुआ नहीं हुआ, कितने रुपए का नुकसान हुआ, सर्वे करेंगे और वो बताएंगे कि हाँ भाई इतने रुपए का बीमा हम एक्सेप्ट करते हैं। अब कितना मिलेगा, ठीक है, मतलब कि ये तो था नुकसान हुआ है, या तो पूरा का पूरा बीमा एक्सेप्ट हो सकता है, कम का भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में आपको देखना है कि नुकसान हुआ, ये क्लेम एक्सेप्ट हो गया, कम का है या बराबर का है, कितना क्या अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट एंट्री। अब पैसा मिलेगा, जब भी पैसा मिलता है एक टाइम पीरियड के बाद, तो बीमा कंपनी से पैसा मिलने की एंट्री, बीमा कंपनी से भुगतान प्राप्त करने की प्रविष्टि, प्राप्त करने की क्या एंट्री अपन लोग करेंगे, तो पैसा आएगा, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डीआर, वैसे बैंक में चेक के थ्रू आता है तो बैंक वर्ड यूज, बैंक अकाउंट डीआर, ठीक है। अगर मान लो पूरा जितना नुकसान हुआ 10,000 का हानि हुई,
10,000 का क्लेम एक्सेप्ट हो गया और 10,000 मिल गए। एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू, किससे मिल रहा है, कौन दे रहा है पैसा, देने वाला कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, तो टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ये हमने कर दिया। कई बार क्या होता है कि पूरा क्लेम नहीं मिलता, आंशिक मिलता है, आंशिक दावा स्वीकार होता है, तो आपको पैसा भी आपको पूरा नहीं मिलेगा, उस समय एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर, बाकी जो नुकसान हो गया उसको पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, जो भी प्रॉफिट नुकसान अगर होता है पीएनएल अकाउंट से उसको राइट ऑफ करते हैं। पीएनएल अकाउंट डीआर टू, पैसा किससे मिल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से, तो टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है। जितना भी आपका नुकसान हुआ, जैसे मान लो 10,000 का हुआ था इंश्योरेंस कंपनी ने और पेमेंट किया है 9,000 का, और 1,000 जो है वो आपके हानि में चले गए, ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया था, ठीक है। तो जब भी नुकसान होता है, नुकसान की एंट्री, हानि हो गई कम, अगर इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा था उसका क्लेम एक्सेप्ट होगा, क्लेम एक्सेप्ट की एंट्री, और इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, ये है पैसा मिलने की एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक जैसे आपको बताया भी था कि डूबत ऋण होने पर क्या एंट्री होती है। डूबत ऋण का मतलब जो किसी व्यक्ति से पैसा मांगते हैं डेटर से और पैसा नहीं मिल पाता है, तो डूबत ऋण की क्या एंट्री होती है, ठीक है, डूबत ऋण की क्या एंट्री होती है, तो डूबत ऋण की अपनी एंट्री है, जैसे या पहले कर दें बैड डेप्ट क्या होता है या डूबत ऋण क्या होता है, डूबत ऋण क्या है कि ग्राहक को माल बेचा उधार, तो ग्राहक हमारा डेटर बन चुका है, अगर ग्राहक से पैसा नहीं मिलता या दिवालिया कोई भी रीजन से, तो उसे हम कहते हैं पैसा हमारा डूब चुका है, डूबत ऋण, तो ये भी एक तरीके से हानि है। डूबत ऋण हो गई तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि ये बैड डेप्ट है, जो उसको बैड डेप्ट वर्ड यूज करेंगे, हानि है, तो क्या एंट्री होगी, हानि होती है तो डीआर बैड डेप्ट अकाउंट डीआर टू, नाम लिख दो जिससे भी हुआ है, उस डेटर का नाम लिख दो जिससे आपको पैसा नहीं मिला, टू बैड डेप्ट, पूरा अमाउंट है तब तो पूरा। काफी बार क्या होता है कि कुछ पैसा मिल जाता है, कुछ वो भुगतान नहीं कर पाता, आंशिक भुगतान प्राप्त होता है, तो आंशिक भुगतान प्राप्त होता है तब क्या एंट्री होगी, तब आपकी एंट्री होगी पैसा मिल जाएगा, कैश अकाउंट डीआर जितना भी मिलता है, जैसे मान लो 10,000 में से 8,000 मिल गए, कैश अकाउंट डीआर डूबे कितने, 2,000, बैड डेप्ट अकाउंट डीआर 2,000, टू डेटर अकाउंट 10,000 रुपए, ठीक है, ये अपना आंशिक भुगतान की एंट्री हो गई। और काफी बार क्या होता है कि जो डूबा हुआ पैसा है ना वो वापस, कई बार क्या होता है डूबा हुआ पैसा वो देने के लिए अगर आ जाता है, ठीक है, डेटर जिसको हमने पहले डूबत ऋण मान लिया था और फिर अगर उसकी रिकवरी हो जाती है, उसे बोलते हैं बैड डेट रिकवर, उसकी एंट्री होगी, यानी डूबा हुआ पैसा वापस मिलने पर क्या एंट्री करते हैं, उस समय एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट, रिकवर अकाउंट, ये आपकी एंट्री होने वाली है, जो भी आपका अमाउंट आपको बताया हुआ आएगा किचन के अकॉर्डिंग हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। नरेशन नॉर्मल है, बैड डेप्ट रिकवर, बैड डेप्ट हो गया, ठीक है, या 15% 40% जो भी केस रिकवरी होगी, बाकी जो हमारा 60, 40, 50 जितना भी है बाकी बैड डेप्ट हो चुका है, ये कुछ स्पेशल देख रहे थे हमने। इसके अलावा कुछ ट्रांजेक्शन और भी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हमारे हो सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपने व्यापारिक बट्टे और नगद बट्टे की, कि डिस्काउंट जो होता है डिस्काउंट बट्टा, आपको पहले भी बताया था एक बार क्लास में कि डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, बट्टे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक बट्टा, और एक होता है नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टा जो है पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं होता, पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं होता, ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब जैसे एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन करें कि एग्जांपल एक देखें हम लोग कि सोहन को 30,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टा, सोहन को 30,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक बट्टे पर बोल दो पर बेचा,
कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा ही नहीं, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट कंपनी ऑफर करती है कि सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो ये अमाउंट लेस होने के बाद जो ट्रांजेक्शन बनता है ना, वही आपका लेन देन होगा, उतना ही पैसा हम अगली पार्टी से कवर कर पाते हैं। तो यहां पर देखो 30,000, 30,000 का 10% कितना हो गया? 3,000। इन 3,000 तो लेस कर दो, व्यापारिक बट्टा कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, डिस्काउंट कुछ नहीं है, ठीक है। एंट्री जो होगी कि सोहन को हमने 30,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा, ठीक है। तो यहां पर व्यापारिक बट्टा साफ साफ कह रहा है, व्यापारिक बट्टा बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, डायरेक्ट एंट्री कर दो, सोहन को माल बेचा है। तो एंट्री हो गई आपकी सोहन अकाउंट डीआर, सोहन अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 27,000 से। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये तो था व्यापारी बट्टा। साथ ही में हम लोग देखते हैं कि अगर नगद बट्टा हो, यानी 3,000 रुपए कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, बात करें नगद बट्टे की। अब इसी में जैसे कह दे कि सोहन से 26,000 रुपए प्राप्त होते हैं, सोहन से 26,000 रुपए प्राप्त होते हैं तथा उसे 1,000 रुपए का नगद बट्टा दिया जाता है, तथा उसे 1,000 रुपए का नगद बट्टा दिया जाता है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मिलने कितने थे? 27,000, मिल कितने रहे? 26,000। 1,000 रुपए कम मिल रहे हैं भाई, गुड्स तो हमने बेचा, कितने का बेचा? 27,000 का। यहाँ 30 मत बोलना भी, 30,000 ट्रेड डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता है। 26 मिलने थे सोहन से, मिले कितने? 26,000 रुपए कम मिल रहे हैं, हानि हो चुकी है। तो ये डिस्काउंट हमने दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए हानि है, हानि होती है तो डीआर में रिकॉर्ड करते हैं। पैसा मिल रहा है, एंट्री कर दो कैश अकाउंट डीआर कैश आ रही है, कितने रुपए? 26,000। पूरे 27 का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। कितने आपके डिस्काउंट में? डिस्काउंट हानि है, डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट अकाउंट डीआर 1,000 रुपए। किससे मिला ये? सोहन से। तो टू सोहन अकाउंट 27,000 रुपए, ठीक है। केस रिसीव्ड फ्रॉम सोहन एंड डिस्काउंट अलाउड, निर्देशन अगर लिखना चाहो तो केस रिसीव्ड फ्रॉम सोहन एंड डिस्काउंट अलाउड, ये अपना हो चुका है, ठीक है। और अगर कुछ खरीद वगैरह होती है, वहां पर भी ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, उसको भी इसी तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है, वहां पर वो हमारे लिए फायदा हो जाएगा, तो डिस्काउंट सीआर में रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें कम भुगतान करना है, ठीक है। एक और हम देखते हैं, एक लास्ट और ट्रांजेक्शन देखते हैं। एक जैसे बिक्री कर, बिक्री कर सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो आप अपनी सैलरी या वेतन पे जो चुकाते हो वो डायरेक्ट आप खुद पेमेंट करते हो गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट जो है आप किसी प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो और उस पर कुछ टैक्स वगैरह पेड कर रहे हो, वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है। जैसे कुछ भी खरीद के ला रहे हैं मार्केट से, तो उस पर जो भी अगर टैक्स अप्लाई हो रहा है, जितना भी टैक्स है, तो वो हम गवर्नमेंट को खुद पेड नहीं करते, हम पेड करके आते हैं शॉपकीपर को, और वो शॉपकीपर जो है वो आगे पेड करता है। हमारा बिजनेस है, हमने गुड्स बेचा, तो उस पर जो हमारा पैसा वो हम रख लेंगे, और जो टैक्स का पैसा वो किसको जमा करवाना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। कलेक्ट जरूर आपने एक टाइम के लिए किया, वो आपकी लायबिलिटी है, उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो अब सुनना ध्यान से, जैसे मान लो मैंने माल बेचा 10 का और 1,000 रुपए उस पर सेल्स टैक्स है, जैसे कैश अकाउंट डीआर, पैसे आपके पास कितने हैं? 11,000 रुपए टू सेल्स, गुड्स कितने का आपके यहां से? 10,000 का, और टू 11 आपको 1,000 रुपए किस चीज के मिले? 1,000 रुपए आपको मिले सेल्स टैक्स के, सेल्स टैक्स अकाउंट, ठीक है। तो नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड एंड टैक्स कलेक्टेड, कलेक्टेड, ठीक है। ये हमारी लायबिलिटी है, हमें इसको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? हम इसको अपने पास नहीं रख सकते 1,000 रुपए को, गवर्नमेंट को पेड करना पड़ेगा। एंट्री होगी सेल्स टैक्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 1,000 रुपए से, ये अपनी एंट्री हो गई। यहां पे लिख देंगे सेल्स टैक्स डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, सेल्स
टैक्स डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, कि हमने गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स का पैसा डिपॉजिट करवा दिया। तो ये अपने कुछ ट्रांजेक्शन आज हमने देखे थे, इनको दोबारा फटाफट एक बार रिवाइज कर लो। ये एक तो चोरी होती है तो उस समय ये एंट्री थी, गुड्स की चोरी हो रही है, केस की चोरी होती है तो परचेज की जगह केस आता, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है तो अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तभी क्लेम मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू लॉस बाई फायर किस चीज का एक्सेप्ट हुआ है, पैसा मिलने की एंट्री कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी, जितना नुकसान हुआ उतने का क्लेम एक्सेप्ट हो गया, उतना पैसा मिल गया, कम का एक्सेप्ट होता है तो उस समय एंट्री होगी। जो भी नुकसान होता है जितना, जैसे 10,000 का हुआ, 9,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो 1,000 रुपये आप पीएनएल से राइट ऑफ करोगे, बैड डेप्ट होता है तो एंट्री होगी बैड डेप्ट अकाउंट डीआर टू डेटर। कई बार क्या होता है बैड डेप्ट पूरा अमाउंट का नहीं हो रहा, डेटर कुछ पैसा दे देता है, उस समय एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर बैड डेप्ट अकाउंट डीआर टू डेटर। बैड डेप्ट डूबा हुआ पैसा हमने बैड डेप्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया लेकिन रिकवरी हो जाती है, उस समय एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेप्ट रिकवर। उसके अलावा कुछ जैसे ट्रेड डिस्काउंट वगैरह की एंट्री, कि हमने माल बेचा, ट्रेड डिस्काउंट आपको बता रखा है, तो ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक बट्टा रिकॉर्ड नहीं होता है, केवल कैश डिस्काउंट ही रिकॉर्ड होगा तो उसको लेस करके ही रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो भी एंट्री होनी है आपके उसकी अमाउंट के हिसाब से होनी है, 27,000 के हिसाब से। परचेज में भी ऐसे तरीके से, जैसे परचेज अकाउंट डीआर टू सोहन, ठीक है 27,000 मान लो और 26 का पेमेंट करना होता तो सोहन अकाउंट डीआर 27,000 टू कैश 26,000 टू डिस्काउंट, तो वो उस तरीके से वहां पर डिस्काउंट आपके लिए रिसीव्ड कम चुकाने हैं आपको तो वहां पर फायदा होता है परचेज के केस में, तो वहां पर डिस्काउंट को सीआर में लिखते हैं। उसके बाद सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है तो इनडायरेक्ट टैक्स है तो आपको पहले कलेक्ट करते हैं हम लोग, हमारा बिजनेस जो है जो भी गुड्स हम बेचते हैं उस पर टैक्स अप्लाई होता है, कस्टमर से कलेक्ट कर लेंगे और गवर्नमेंट को पेड कर देंगे। तो ये हमने कुछ एंट्रियां देखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने जो बुक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।